कैसी लगी मूवी? बहुत स्टोरी तुमको पता थी क्या थी? सोशल मीडिया पे क्या भोला बढ़िया काम कैसे लगा? एक नंबर काम है, तो मजे भी एक्टर हैं, कहने वाली कोई बात नहीं। हाँ बहुत बढ़िया एक्टर है वो भी, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, बहुत बढ़िया। एक ड्रग्स के ऊपर है कि जो आदमी दारू पी के, ड्रग्स पी के, गांजा पी के, शराब पी के बच्चे पैदा करते हैं तो उनकी औलाद कैसी होगी। भगवान का नाम लेके बच्चे पैदा करने चाहिए, स्मैक पी के बच्चे पैदा कर देते हैं, उसके ऊपर स्टोरी है ड्रग्स के ऊपर। वो लास्ट में जो अजय देवगन की जो बेटी दिखाई ना छोटी थी, जब वो बाप बेटे जो मिलते हैं, मुझे भी रोना, पब्लिक को रोना आ गया जब दोनों आपस में मिलते हैं ना बाप बेटे। बस क्या, वो जब अजय देवगन बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी से क्या बात करूं, तो तब वो बोलते हैं वो अपना आप बात करेगी, तुम जाओ, तो वो मिलते हैं, मुझे भी रोना आ गया। बढ़िया एक आइटम सॉन्ग स्टार्टिंग में दिखाया जो बहुत बढ़िया सॉन्ग है, गाने दो ही हैं। एक्शन का तो जवाब ही नहीं, कोई एक्शन का जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं एक्शन का। धान 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 है, मैं 5 में से 5 दूंगा। कोई भी पब्लिक को खराब नहीं बताएगी मूवी को, एक नंबर मूवी है। भोला इन 3D बहुत ही ज़बरदस्त है। अजय देवगन सर ने बहुत ही ज़बरदस्त अपना मतलब जिस तरीके से डायरेक्शंस किया है ना, इट्स आउटस्टैंडिंग। एंड मैं तो बोलूँ ऐसी मूवीज़ ना और बननी चाहिए। अजय देवगन सर को मैं बोलूँगी कि प्लीज़ ऐसी मूवीज़ और बनाते रहे, बिकॉज उनके डायरेक्शन में ना कभी कोई कमी नहीं निकलती। बिकॉज हमने शिवाय देखी है, और भी उनकी एक मूवी आई थी वो भी हमने देखी, बट ये तो एकदम अलग ही लेवल की बनाई है। जो उन्होंने एक्शंस खुद से किए हैं ना, इट्स आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त। एक्टर और डायरेक्शन बनना बहुत ही मुश्किल काम होता है, वो आसान बात नहीं होती, बट उन्होंने जैसे किया है ना बहुत ज़बरदस्त किया है। मतलब मैं बोलूँ ना कि उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता है यहाँ पे डायरेक्शन के मामले में, ही इज़ आउटस्टैंडिंग। दीपक डोबरियाल आप तो खा गए पिक्चर को, क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है आपने विलेन के रोल में, मान गए आपको, आपको कोई भी रोल तो आपको सूट करता है। तब्बू मैम ने भी अपना अच्छा रोल किया है, एक हाथ से एक स्टंट किया है उन्होंने, वो भी बहुत अच्छा लगा। एंड एंड में क्लाइमैक्स का एक ट्विस्ट एंड सस्पेंस है, वो मिस मत करना ऑडियंस, वो एंड तक रुक के देखना, बिकॉज आपकी होश उड़ जाएगी वो देख के। मुझे स्टंट्स बहुत पसंद आए, जो भी स्पेशली त्रिशूल वाला जो एक्शन स्टंट था वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत लाइक ऐसा कुछ यूनिक देखने मिला हमें बॉलीवुड में, बहुत अच्छा लगा देख के। अजय देवगन सर को 100 out of 100 एक्शन के मामले में, मूवी को 10 on 10 मेरी तरफ से, आई लव द मूवी, थैंक यू। भोला भोला बोलूँगा तो पहले तो ऐसा लगा कि पान की दुकान वाला भोला निकलेगा, पर ये तो भाई सच में भोलेनाथ जैसे भोला बनी है। क्योंकि जिस तरह से अजय, अभी पहली बात तो सबको पता है कि रीमेक है कई थी की, पर अजय देवगन सर को मैं बोलूँगा कि यार आप रीमेक किंग हो, आपने सिंगम, बोल बच्चन, दृश्यम जिस तरह से रीमेक आपने बनाई थी इंडस्ट्री में, बोले तो ये मूवी देख के आपके डायरेक्शन में, आपके डायरेक्शन में ये रीमेक बनी है, माइंड ब्लोइंग। मतलब कुछ कुछ सीन आपने खुद का भी ऐड किया है, कुछ कुछ, और कुछ कुछ जो आपने खुद का ऐड किया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो हम लोग कहीं थी में देखने नहीं मिला वो यहाँ पे हमको देखने मिला। तो अच्छी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है, और आपकी एंट्री जो स्टार्टिंग में आग दिखा के वो आते हैं, उधर ही बोले थे यार उधर ही, मतलब पिक्चर का 50-50 करो तो उधर ही पब्लिक को करना चाहिए, क्या क्या एंट्री दिया है बंदे, मतलब एंट्री तो कॉपी थी, पर जिस तरह से वो उतरते हैं जिप में से वो पैसा वसूल है, तो ये बोलूँगा। बाकी यहाँ पे बिरयानी वाला सीन नहीं है, यहाँ पे एक चिकन वाला सीन है तो यहाँ पे पब्लिक ट्रोल ना हो जाए कि यार बोला ना वो चिकन भी खा रहे, इसलिए वो पब्लिक का बहुत मतलब सेंटिमेंट हर्ट होता है। तो ऐसा नहीं है भाई, कमर्शियल फिल्म अगर आप देखोगे तो आप साउथ की भी देखते ही हो कमर्शियल फिल्म, जिस तरह से वो लोग एक्शन भी ओवर कभी कभी बता देते हैं, यहाँ पे भी अजय देवगन की मूवी में ऐसा एक्शन रहना ही बनता है, क्योंकि बहुत लोग ने सुना है कि एक्शन बहुत ओवर ले लिया है, जैसे कि बाइक का स्टंट भी बहुत ओवर है। अरे भाई RRR में तो NTR में बाइक उठा के एक्शन किया था अजय देवगन, और अजय देवगन सर की मूवी में एक्शन ना हो तो पिक्चर नहीं है, सच बोल रहा हूँ। और किसका काम अच्छा लगा मूवी के अंदर? तब्बू भी है। अजय देवगन पे एक एक्टर बहुत गंदा भारी हो रहा है, दीपक डोगरीवाल बहुत भारी पड़ा है, जिस तरह से नेगेटिव रोल में जो काम कर रहे हैं, काम किया है पिक्चर में, आप बोलोगे यार क्या आप काम, क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि विलन को देख के गुस्सा आना चाहिए, और वही काम दीपक ने किया है इतने अच्छे तरह से प्रेजेंट। हाँ पर वो इंटरवल चालू के थोड़े टाइम के बाद ही मर जाते, थोड़ा और उनका इंटरवल के बाद बढ़ाना चाहिए था, एंड तक रखना चाहिए था क्लाइमेक्स तक, पर अभी रीमेक हमको मालूम है कब बढ़ने वाला था, इसलिए। सॉन्ग में बोलूँगा पान दुकान स्टार्टिंग में आते वो थोड़ा मतलब ठीक ही लगा था गाना, इंटरवल के बाद में नज़र लग जाएगी, माई फेवरेट सॉन्ग।
अजय देवगन से आंखों आंखों में से रोमांस करते हैं, जैसे आपने रेड पिक्चर में देखा सनू एक पल नाचे ना वो सब, तो यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। और एक जो बैकग्राउंड में दिल है भोला बजता है, जो वो त्रिशूल वाला शॉट आता है और बैकग्राउंड में दिल है भोला वाला गाना बजता है, बहुत मजा आता है। बेस्ट सीन ऑफ द मूवी इज कहते में, आप देखोगे कहते में कुछ लोकेश भाई ने छोड़ा नहीं था ना किसी का कैमियो था, यहाँ पे भाई ने कैमियो दिया और अपनी खुद की न्यूज बना रहे कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि कहती रीमेक है मतलब अजय देवगन भी विक्रम की भी रीमेक बनाएगी, नहीं भाई अजय देवगन ने अपनी खुद की यूनिवर्स इसमें बता दी है, क्योंकि वो 10 साल पहले क्या थे, 10 साल क्यों जेल में गए और क्लाइमेक्स में आपको कैमियो तो पता ही, अगर नहीं पता रहेगा तो मूवी खास देखो मैं रिवील नहीं करूँगा, वही मैंने जाने पिक्चर की मूवी मतलब मैसेज किया है ही नहीं, मतलब एक कमर्शियल फिल्म है, जैसे कि ड्रग्स के ऊपर ही पिक्चर है, एक ड्रग्स डीलिंग रहता है जो पुलिस वाले पकड़ के लेके आएंगे, तो वो लोग वो ड्रग्स को छुड़वाने के लिए जिस तरह से गुंडे लोग पुलिस वाले के पीछे आते हैं, जिस अजय देवगन एक मसीहा बन के लोग हेल्प करता है, वैसे एक पिक्चर है। कहती में वैसे ही सेम था, कुछ डिफरेंट, और कुछ कुछ पार्ट अजय देवगन नया, जैसे त्रिशूल का सीन नया है, कैमियो लिया है, जिसका कैमियो लिया वो तो मैं शौक हो गया, बोले जिस बंदे को हम लोग ट्रोल करते थे एक्टिंग में, आज वो बंदे को क्या एक्टिंग करवा रहे अजय देवगन लुक के साथ। अभी मैं कैमियो मैं बोल ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो पिक्चर की जान है, अगर वो बता दिया तो पब्लिक पिक्चर नहीं आएगी, तो खास वो देखनी चाहिए पिक्चर को, 5 में से 5 लोग, क्योंकि फुल आउटस्टैंडिंग मूवी बनाई है, कुछ भी सीन आपको बोलने लगे फुल आपकी इंटरेस्टिंग हर जाएगी ना, आप फोन यूज करोगे कुछ नहीं ऐसा बोलिए। अच्छी लगी, एक्शन मूवी है और एक्शन में 100% मार्क्स दे सकते हैं उसको। एंट्री भी अच्छा था उसका, मेन अजय देवगन का इसके ऊपर ही फिल्म है पूरी, प्रोड्यूसर भी है डायरेक्टर भी है सब है, एक्शन भी उनकी ही अच्छी ज़्यादा है, और ये साउथ की रीमेक है लेकिन ऐसा रीमेक नहीं लग रही है उसमें, लगता है ओरिजिनल फिल्म बनाई गई ऐसा लग रहा है। एक्शन में 100% एक्शन लेवल के लिए बहुत अच्छे बेहतरीन है, हाँ पैसा वसूल जिसको एक्शन पसंद है, लेकिन ये फैमिली मूवी नहीं है तो वन टाइम वॉच है, गाने वगैरह उसमें खास नहीं है, फैमिली वो ज़्यादा वो टची सीन्स नहीं है, इमोशनल सीन्स जो आते हैं डायलॉग वगैरह में, लेकिन चलेगी पिक्चर ऐसा एक्शन के लिए। केमिस्ट्री वो ठीक है ऐसा, ठीक है 3। भोला मच अवेटेड, मैंने ओरिजिनल कैथी देखी है तो कैथी का ये रिमेक है, बट आई मस्ट से कि कैथी और ये मूवी ओरिजिनल मुझे इससे ये बेटर लगी, क्योंकि फ्रेम टू फ्रेम कॉपी नहीं किया है जो बड़ा अच्छा है। इस पर कुछ एक सीन्स है जो इन्होंने इनोवेशन लाया है जो मुझे देखने मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे भाई साहब तो पूरा भौकाल मचा दिया, एंड ये पूरा यूपी में शूट हुआ है तो वो स्मार्ट सिटी एज इट इज, तो बड़ा मज़ा आया, वो एक्सेंट उनका बोलने का स्टाइल अच्छा लगा। तब्बू सर, तब्बू मैम एंड अजय सर तो आई मीन वो तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दृश्यम से हम उन्हें देखते आए हैं, तब्बू मैम एज अ कॉप एज अ कमांडिंग ऑफिसर उनका जो कमांड है लव्ड है। बिल्कुल अलग है, कैथी का रीमेक है ये बहुत अलग है, इसमें एक्शन तो है ही है बट इमोशनल इमोशंस भी है, अपनी बेटी से मिलने आता है 10 साल बाद तो वो एक इमोशन है जो क्लाइमेक्स सीन है, वो आप क्लाइमेक्स में देखोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे क्लाइमेक्स अच्छा लगा क्योंकि ओरिजिनल मैंने जो देखा था उसमें रात में शूट हुआ था और इसमें दिन में, तो मैं बड़ा सोच रही थी कि कैसे वो कवर करेंगे, बट माइंड ब्लोइंग द एक्शंस आर टू गुड। अजय सर का डायरेक्शन बहुत अच्छा था बट मुझे हाँ कहीं ना कहीं विजुअल्स के लिए मुझे थोड़ा सा ये लगा कि कम अपीलिंग लगा, विजुअल्स थोड़े अच्छे हो सकते थे, बाकी ओवरऑल सॉन्ग्स तो एक अननेसेसरी मुझे लगा, आइटम सॉन्ग मुझे नहीं था, ज़रूरत नहीं थी मूवी में, बाकी एक लास्ट में एक RRO सॉन्ग है मुझे वो अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल पैसा वसूल है, मैं चाहूँगी कि पब्लिक आए थिएटर तक आए और मूवी को देखे, 4 out of 5 मूवी को भी 4 out of 5। मैंने मूवी देखी भोला, जिसे डायरेक्ट किया है अजय देवगन ने, और 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम अदाकारी करने वाले अजय देवगन अभी कुछ मूवी से डायरेक्ट करने लगे हैं, जैसे शिवाय जो मुझे बहुत पसंद आई थी, रनवे 34 अनफॉर्चुनेटली नहीं चली वो भी मुझे बहुत पसंद आई, और ये मूवी तो नेक्स्ट लेवल है, इफ़ यू आर एन एक्शन फिल्म लवर तो एंटरटेनमेंट ये मूवी में आपको देखेगा, मतलब टोटली पैसा वसूल मास एंटरटेनर जैसे बोल सकते हैं, हर एक्शन सीन्स में तालियां सीटियां बज रही थी, द ऑडियंस वॉज रियली अप्रिशिएटिंग इट अपलॉडिंग इट, एंड ऐसा थंडरस रिस्पॉन्स मैंने बहुत टाइम के बाद देखा, कितने इतना हाई वोल्टेज एक्शन एंड यू विल लिटरली गेट गूज़बम्प्स,
मतलब अजय देवगन वंस अगेन ही इज फिनोमिनल, ही इज माइंड ब्लोइंग, ही इज फैंटेबुलस एंड आई जस्ट लव द एक्शन यू नो. आई जस्ट लव द फैक्ट दैट वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, डायरेक्शन भी कर रहे हैं. और मूवी में सिर्फ एक्शन ही नहीं है, इमोशन भी है, ड्रामा भी है. तो अगर सिर्फ एक्शन 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 होगा, हालांकि अजय देवगन का फोर्टी है एक्शन, बट एक्शन के साथ अगर ड्रामा भी आ जाए, इमोशन भी आ जाए, तो मूवी नेक्स्ट लेवल जा सकती है. और वही मुझे दिखा ये मूवी में. और उसके साथ साथ वर्सेटाइल एक्ट्रेस टब्बू हु हैज़ वन नेशनल अवार्ड ट्वाइस और शी डज अ वाइड रेंज ऑफ इमोर और रोल्स एंड इन दिस मूवी ऑल्सो उन्होंने अपने आप को जैसे एक्सप्रेस किया. शी है यू नो एक्सप्रेस्ड गमट ऑफ इमोशंस, कहीं गुस्सा है, कहीं फ्रस्ट्रेशन है, कहीं मतलब थोड़ी अपसेट है. एंड शी डजंट नीड वर्ड्स, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. तो दोनों ही जो एक फ्रेम में आते हैं, अजय देवगन और टब्बू, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, दे हैव प्रूव्ड इट. दीपक डोबरियाल, आई थिंक ही इज़ द सरप्राइज एलिमेंट. मतलब वो हमेशा कॉमेडी करते हैं, इसमें थोड़े ग्रे शेड्स हैं. और जिस तरह वो कॉमेडी का तड़का हमेशा लाते हैं, इस बार उनका रोल थोड़ा नेगेटिव है. और अपने रोल में जैसे वो रच बस गए और मतलब एंटरटेन किया. पहले तो हमें समझ नहीं आया कि दीपक डोबरियाल है. और उसके साथ साथ संजय मिश्रा एज ऑलवेज, ही इज़ फैबुलस. और अभिषेक बच्चन की भी लास्ट में एक रोल लुक थी, बहुत अच्छी लगी वो, कि दे विल बी नेक्स्ट पार्ट. बट आई एम अमेज दैट वेरी फ्यू पीपल टर्नड अप. आज रामनवमी है, सभी व्यूज़ को रामनवमी की शुभकामनाएं. बट वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी और क्रिटिक्स रिव्यू से पीपल शुड टर्न अप फॉर द मूवी, बिकॉज आई फील कि इट्स अ वेरी गुड मूवी. इफ़ यू आर एन एक्शन फिल्म लवर, इफ़ यू आर इमोशनल अबाउट द मूवीज, देन यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी. और बहुत ही अच्छी, सबके असीम बजाज की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है और जो एडिटिंग है वो भी परफेक्ट है धर्मेंद्र शर्मा की, कि कहीं भी कुछ ड्रैग नहीं किया. और मतलब 2.25 घंटे की मूवी है, तो कोई रैंडम सीन्स नहीं है. तो सिनेमेटोग्राफी हो, एडिटिंग हो, डायरेक्शन हो, परफॉर्मेंसेस हो, म्यूज़िक बहुत अच्छा है रवि बस्तूर का, सभी गाने बहुत अच्छे हैं. भोला का जो टाइटल सॉन्ग है, बाकी भी जो भी गाने हैं बहुत अच्छे हैं. और एक्शन सीन्स, 3D इफेक्ट्स इतने माइंड ब्लोइंग है कि आपके दिमाग में घूमते रहेंगे इवन आफ्टर यू हैव गॉन होम. एंड दैट इज़ अ यूनिक क्वालिटी, कि वो एक ऑरा होता है. मतलब इतनी इंटेंस लुक है अजय देवगन की, जब वो आते हैं तभी लोग देखते रह जाते हैं. और फिर उसके साथ देखिए, उनके फादर वीरू देवगन भी एक स्टंट मास्टर, फाइट मास्टर थे, और वो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए जाने मत जाते थे. और अभी उनका सुपुत्र भी इतना, मतलब अगर आज वो होते, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ही विल बी सो प्राउड कि आज 50s में आके ही इज़ डूइंग सच वंडरफुल, यू नो, नॉट ओनली मूवीज बट डायरेक्शन में भी अपना एक, यू नो, उन्होंने अपना अस्तित्व साबित किया, अपनी एक आइडेंटिटी बनाई. तो मैं बधाई देना चाहूँगा अजय देवगन को. मुझे नहीं पता मूवी चलेगी नहीं चलेगी, बट वर्ड ऑफ माउथ क्रिटिक रिव्यू से चलनी चाहिए. बट मेरी बधाई है, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी. एक्शन सीन्स इतने अच्छे से, SS राजामौली आपको याद आ जाएंगे, इतने अच्छे से शूट किए गए एक्शन सीन्स. और हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम ऑफ भोला. ये मूवी कैथी की रीमेक है, बट नॉट फ्रेम बाय फ्रेम, ओनली द स्टोरी हैज़ बीन अडेप्टेड. तो इट्स नॉट अ फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी, तो इसको ऐसे मत बोलिए कि रीमेक है. कैथी मीन्स प्रिजनर, तमिल मूवी थी कैथी. इट इज़ नॉट अ फ्रेम बाय फ्रेम रीमेक. इसमें काफ़ी सीन्स रिक्रिएट किए गए और वो मैजिक दिख रहा है ऑन स्क्रीन. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट एंड डेफिनेटली यू नो एवरीबडी विल बी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट. मैं दूंगा 3.5. आई थिंक देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट आई विल गो विद 3.5 स्टार्स. अजय सर को तो 5 out of 5, उनको तो 100 out of 100. मतलब वो तो, उनसे हमारी नज़र ही नहीं हट रही थी. ऐसे लग रहा था कि मैं अजय देवगन को देखूँ या टब्बू जी को देखूँ. दोनों ऐसे बेमिसाल एक्टर एक फ्रेम में आ रहे थे, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं किस तरफ देखूँ, किसको अप्रिशिएट करूँ, किसको अप्लॉड करूँ. मुझे समझ भी नहीं आ रहा था. थैंक यू.